हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जिसका नाम है क्रिएटिविटी कोचिंग। और आज हम सीखने वाले व्हाट इज़ अ राइट शेयर। ठीक है, क्या सीखने वाले? व्हाट इज़ अ राइट शेयर। राइट शेयर और राइट इशू एक ही होता है फ्रेंड्स, तो आप लोग को ये चीज़ ध्यान रखना चाहिए, राइट शेयर राइट इशू एक ही होता है। ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो बनाने का इंटेंशन ये है कि यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियो अवेलेबल है व्हाट इज़ अ राइट शेयर पर, व्हाट इज़ अ राइट इशू पर बहुत सारे वीडियो अवेलेबल है। फ्रेंड्स, सब में यही बता रहे हैं, मतलब आपको राइट इशू समझा दे रहे हैं, बट उसमें ये नहीं बता रहे कि पेपर में आंसर अगर क्वेश्चन आ गया तो आंसर रिटर्न मतलब राइट लिखने है कैसे। तो मतलब हम आपको लिखना सिखाएंगे, आपको आंसर राइटिंग कैसे करना है पेपर में, वो भी एकदम स्मार्टली और एकदम ईजी वर्ड के साथ। ठीक है फ्रेंड्स, क्या कि एकदम ईजी वर्ड भी ईजी रहेंगे, आपको लिखने में प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपका प्रेजेंटेशन भी मस्त रहेगा, आपके सब कुछ अच्छे से जाएंगे। और फ्रेंड्स, ये नहीं कि हम लोग आपको समझाएंगे नहीं, पहले हम आपको पूरा अच्छे से समझा देंगे क्या होता है ये राइट इशू और क्या होता है राइट शेयर, फिर आपको हम पूरा आंसर लिखने का तरीका बताएंगे पेपर में लिखना कैसे है। ठीक है फ्रेंड, पहले हम राइट शेयर समझ लेते हैं, राइट शेयर होता क्या है। तो ठीक है फ्रेंड, चलते हम लोग थोड़ा ये बोर्ड पे अपने। तो फ्रेंड्स, व्हाट इज़ अ राइट शेयर। ठीक है, आपके क्वेश्चन आपके मन में आएगा कि व्हाट इज़ अ राइट शेयर या तो व्हाट इज़ अ राइट इशू। ठीक है फ्रेंड्स, तो पहली बात तो ये कंपनी, जब भी जॉइन स्टॉक कंपनी फर्स्ट टाइम, देखो यार पूरा अच्छे समझ लो, डीपली एकदम अच्छे से पूरा समझ लो क्या होता है, प्रोसीजर क्या है पूरा अच्छे से, तब आपको मतलब प्रॉब्लम नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा राइट इशू पे। अगर वीडियो आप अच्छे से देखते हो, मैं बोलता हूँ 100% गारंटी, तो आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखो जब भी कंपनी फर्स्ट टाइम शेयर इशू करती है तो उसको हम IPO बोलते हैं। हमारा अगले वीडियो में, हमारे नेक्स्ट, हमारे प्रीवियस वीडियो में कवर हुआ था, नहीं हुआ था तो हम आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में देंगे, आप एक बार IPO देख लो। IPO होता है, क्या होता है IPO, देखो आप मतलब आप सोचो मत ज़्यादा, IPO मतलब जब भी कंपनी फर्स्ट टाइम शेयर इशू करती है मार्केट में तो उसे बोलते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफर। क्या बोलते हैं? इनिशियल पब्लिक ऑफर। तो जब भी कंपनी SPO करती है, सीजनल पब्लिक ऑफर, मतलब जब भी कंपनी सीजनल पब्लिक ऑफर करती है, मतलब सेकेंड टाइम जब कोई कंपनी शेयर इशू करती रहती है मार्केट में, तो एक मतलब ना इक्विटी शेयर होल्डर के पास एक अधिकार रहता है। अधिकार ये रहता है कि कंपनी ना उनको अपॉर्चुनिटी दे कि जो भी शेयर वो इशू करने वाली नया शेयर इन द मार्केट, पहले किसको अपॉर्चुनिटी मिली, पहले इक्विटी शेयर होल्डर को पूछना चाहिए। क्या पूछना चाहिए? कि भाई तू शेयर खरीदेगा क्या? किसको पूछना चाहिए? इक्विटी शेयर होल्डर को। वो भी कौन से? एग्जिस्टिंग, जो भी ओल्ड शेयर होल्डर रहेंगे, एग्जिस्टिंग रहेंगे, नए वालों को नहीं पूछना है। किसको पूछना है? ओल्ड वालों को, जो भी ओल्ड रहेंगे। अगर कंपनी नया शेयर इशू कर रही है तो क्या आप किसको पहले पूछेगी? पहले इक्विटी, एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर को पूछेगी। अगर एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर को नहीं चाहिए, वो बोल रहा है मतलब कंपलसरी नहीं है, मतलब अपॉर्चुनिटी दे रही है कंपनी, क्या दे रही है? अपॉर्चुनिटी। तो कंपलसरी नहीं है कि मतलब वो परचेस करेगा, अगर उसके पास पैसे है तो परचेस करेगा, नहीं है तो नहीं करेगा, वो उसके पर डिपेंड करता है। बट कंपनी को देने का मतलब कंपलसरी कंपनी को ये अपॉर्चुनिटी देनी ही चाहिए, और ये अधिकार सिर्फ किसके पास है? राइट इशू का एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर के पास। किसके पास? एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर, डिवेंचर होल्डर, बॉन्ड होल्डर, प्रेफरेंशियल होल्डर, डिवेंचर होल्डर, पब्लिक डिपोजिटर, कोई ये एंजॉय नहीं कर पाता, इसलिए एंजॉय कौन करता है? इक्विटी शेयर होल्डर। ठीक है फ्रेंड्स, तो क्या बोला मैंने कि कंपनी जब भी शेयर इशू करे तो पहले पूछे, किसको पूछे? एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर को, भाई तुझे खरीदना है क्या? अगर वो नहीं खरीद रहे हैं, जैसे कुछ शेयर खरीद ले कुछ नहीं खरीदे, तो कुछ शेयर खरीद तो बिक गए, तो दूसरे शेयर हो जाएगी FPO कर देगी। क्या कर देगी? FPO मतलब ये होता है, क्या होता है कि ये होता है फॉलो पब्लिक ऑफर, मतलब जब ये कंपनी तब जाती है मार्केट में, स्टॉक मार्केट में, और पब्लिक को बेचना चालू कर देती है। क्या बेचना चालू कर देती है? शेयर बेचना चालू कर देती है। ये मतलब सेकेंड है, मतलब सेकेंड स्टेप है अगर कंपनी नहीं ले रही है तो। अगर मतलब पूरा शेयर नहीं ले तो पूरा शेयर जाके FPO कर सकती है, मतलब पूरा शेयर जाके क्या कर सकती है? बेच सकती है जनरल पब्लिक को। बट ये मतलब कंपनी को कंपलसरी है अकॉर्डिंग टू SEBI कि अधिकार पहले किसको मिलना चाहिए? राइट इशू का इक्विटी शेयर होल्डर को मिलना ही चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर हो गया क्या था कि कंपनी को मतलब जब भी कंपनी नया शेयर इशू करेगी मार्केट में तो पहले वो अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए, किसको देनी चाहिए? इक्विटी शेयर होल्डर को, कि भाई तेरे को शेयर खरीदना है, तुझे खरीदना तो खरीद ले, नहीं तो मैं दूसरे को इशू करती हूँ। ये कंपनी को पूछना चाहिए, कंपनी को देना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम लोग चलते हैं आंसर की तरफ। हमको आंसर राइटिंग कैसे करना है इस टॉपिक पे, पूरा आपने अच्छे से सुना होगा तो आपको अच्छे समझेगा, और आंसर राइटिंग करते हो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा, वर्ड एकदम ईजी है, पूरी ईजी वर्डिंग के साथ है हमारा आंसर। और आपको हम गारंटी देते हैं कि आप ऐसे लिखो, प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा जाएगा, आपके मार्क्स भी बहुत अच्छे खासे मिल जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं हम लोग आंसर पे अपने। ठीक है फ्रेंड्स, आ गए हम लोग किस पे आ गए? व्हाट इज़ राइट इशू या तो राइट शेयर्स। ठीक है फ्रेंड्स, स्टार्ट करें तो आपको पहले क्या लिखना है? मीनिंग लिखना है।
जो भी हम लोग ने समझा वही लिखने का, जो आपको समझ में आता है वही लिखने का अपने वर्डिंग के साथ, ठीक है फ्रेंड। अगर आप ये वर्ड नहीं चूज़ कर सकते तो अपने हिसाब से कोई वर्ड चूज़ करो, बट देखो आंसर का मतलब मीनिंग सेम रहना चाहिए। क्या लिखा है, पहले कंपनी इशू न्यू शेयर इन मार्केट इन स्टॉक मार्केट, कंपनी फर्स्ट गिवन राइट टू बाय शेयर टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर। मतलब कंपनी जब कभी भी मतलब नया शेयर इशू कर रही है मार्केट में, तो कंपनी को मतलब ये राइट पहले देना चाहिए, किसको देना चाहिए, इक्विटी एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर को अधिकार देना चाहिए कि भाई तुम्हें शेयर करना है, तुम्हें परचेस करना है क्या। तो इसी को बोलते हैं राइट इशू। वो इक्विटी शेयर होल्डर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो खरीदे या ना खरीदे, बट कंपनी को ये कंपलसरी कि भाई तुझे पूछना ही पड़ेगा, तुझे पूछना ही पड़ेगा। किससे पूछना पड़ेगा, इक्विटी शेयर होल्डर से, कि तुझे खरीदना है क्या यार, नहीं खरीदना है तो मत खरीद, नहीं खरीदना है तो मत खरीद, और खरीदना है तो खरीद ले। अगर हाफली खरीद है तो भाई तू हाफली खरीद, आधा खरीद ले, और आधा मैं जाके FPO कर दूंगा, मतलब मैं जनरल पब्लिक को स्टॉक मार्केट में BSE YNSE में मैं बेच दूंगा। अगर तू आधा खरीद है तो आधा खरीद, पूरा खरीद है तो पूरा खरीद ले, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखो आपको ऐसा पॉइंट लिखना है कि दिस बेनिफिट एन्जॉय बाय ओनली एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर। मैंने आपको बोला कि ओनली सिर्फ एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर ही एन्जॉय कर पाता है। कौन कौन नहीं एन्जॉय कर पाता है ये बेनिफिट, प्रेफरेंस शेयर होल्डर नहीं एन्जॉय कर पाता, डिवेंचर शेयर होल्डर नहीं कर पाता, डिपोजिटर नहीं कर पाते, हैव नॉट राइट इशू, बैंकर नहीं कर पाते, जहाँ भी कंपनी फंड रेज करती है कहाँ से भी करती है कोई एंजॉय नहीं कर पाता। कौन सिर्फ एंजॉय करता कर पाता, इक्विटी शेयर होल्डर। देखो फ्रेंड्स यार, इक्विटी शेयर होल्डर का बहुत सारे अधिकार है, राइट्स है, और उनका मतलब इसलिए राइट दिया रहता है कि हायर द रिस्क हायर द बेनिफिट। तो उनके पास इसलिए बेनिफिट है कि यार उन लोग भी डिसीजन मेकिंग में उन लोग रहते हैं, उन लोग डिसीजन मेकिंग में रहते हैं, उन लोग कैपिटल एप्रिसिएशन में रहते हैं, उन लोग को चार्ज ऑन असेट्स नहीं मिलता। आपको अगर इक्विटी शेयर देखना तो हम लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप एक बार वो अच्छे से देख लो, आपको अच्छे समझ आ जाएगा कि इक्विटी शेयर होल्डर को इतना मतलब राइट क्यों मिलता है। आपके अंदर मन में आ जाएगा क्वेश्चन कि भाई इसको क्यों राइट मिल रहा है, इन लोग क्यों नहीं मिल रहा है। तो यार ये बात है कि यार वो बहुत मतलब लॉस बियर कर, मतलब बहुत सारा वो रिस्क टेकर है, और बहुत ही मतलब परमानेंट कैपिटल देता है कंपनी को। तो आप पहले वो वीडियो देख लोगे तो ये आपको और अच्छे समझेगा, ठीक है। ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि यार इसको क्यों मिल रहा है, तो आप वो वीडियो आपको देखनी जरूरी है, ठीक है फ्रेंड्स। स्टार्ट करते हैं हम लोग सेबी का। अब देखो फ्रेंड्स क्या है सेबी गाइडलाइन। अब देखो यार सेबी क्या है, पहले आप क्वेश्चन आपके मन में क्वेश्चन भाई सेबी क्या है, तो सेबी क्या बोलता है रहता है हमेशा भाई। सेबी ये है, सेबी का फुल फॉर्म क्या है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। क्या है, सॉरी यार फुल फॉर्म बड़े में लिखना चाहिए था मुझे, SEBI आपको लिखना पड़ेगा पेपर में, आप SEBI मत लिखना छोटे में, तो आपको बड़े में लिखना सेबी गाइडलाइन। तो ये दिस इज़ लाइक डॉग ऑफ अ मार्केट, मतलब ये जैसे कि हमारे घर का कुत्ता कौन रहता है, हमारे घर का जो कुत्ता है वो क्या करता है, देखभाल करता है हमारे होम का, क्या करता है देखभाल करता है कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है कौन सही से आ रहा है, मतलब कुछ चोर उर तो नहीं आ रहा है। तो अच्छे लोग का और मतलब बुरे लोग का देखभाल कौन करता है, मतलब देखता रहता है कि कौन देखता है, डॉग। सेम सेबी का भी यही काम है, सेबी स्टॉक मार्केट का एक कुत्ता है, मतलब गलत इंटेंशन है, मतलब ये कुत्ता मतलब ये डॉग का कैसा काम करता है, जो भी मतलब गलत लोग मतलब गलत लीगलिटी नहीं फॉलो करते, जो भी मतलब कंपनी के रूल एंड रेगुलेशन नहीं फॉलो करते, जो भी अपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में जो भी मतलब मेंशन किए रहते हैं अगर वो नहीं फॉलो कर रहे, तो शेगर उस पर मतलब सेबी उस पर लीगली एकदम स्ट्रिक्ट एक्शन लेता है, और उससे मतलब उनको नुकसान पहुंचाता है। कौन, सेबी। और सेबी का फुल राइट है, तो सेबी ने गाइडलाइन दिया है कि सेबी की गाइडलाइन क्या है, सेबी क्या बोलता है, सेबी की मतलब सेबी ने जो बोला सबको फॉलो ही करना है, कंपलसरी ये फॉलो करना ही पड़ेगा, ठीक है। मैं तो आपको पेपर में ये लिखना है यार, लिखना है आपको, लिखना है, क्योंकि इतना छोटा आंसर लिखो तो कुछ होने वाला नहीं है। आप 11th 12th या कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हो यार, आप सीख लो आपको आंसर कैसे प्रेजेंट करना है और आपको इसमें आंसर कैसे लिखना है। फ्रेंड्स देखो पहले तो बात ये, स्पेसिफिक रेजोल्यूशन पास एंड बोर्ड मीटिंग। कंपनी राइट इशू करने से पहले एक बोर्ड मीटिंग मतलब एक मीटिंग बैठानी चाहिए, जो इसको बोलते हैं जैसे हम कोई भी मीटिंग हो सकती है, तो वो मीटिंग में स्पेसिफिक मतलब जो भी रिक्वायरमेंट रहती है राइट इशू के खिलाफ वो सब रिक्वायरमेंट पूरी होनी चाहिए, मेजोरिटी ऑफ वोटिंग होना चाहिए, मेजोरिटी ऑफ वोटिंग से पास होना चाहिए, अच्छे से रेजोल्यूशन। अब यार रेजोल्यूशन क्या होता है, रेजोल्यूशन मतलब क्या होता है, आपने 11th में पढ़ा होगा, 11th में होता है एक मोशन होता था, मोशन मतलब हम लोग मीटिंग में प्रस्ताव रखते हैं कि जैसे हम लोग ने ये रख दिया कि ना यार आज केक खाएंगे क्या, खाएंगे क्या, क्वेश्चन मार्क है फ्रेंड्स। फिर बाद में इसमें बहुत चर्चा चलेगी, डिबेट चलेगा बहुत, डिबेट चलने के बाद एक लास्ट में वोट होगा, और जो भी मतलब पब्लिक जैसा मेजोरिटी ऑफ वोटिंग बोलते हैं हाँ भाई खाएंगे, सब बुक करते रहते ही है, तो बोलते क्या बोलेंगे, खाएंगे भाई। तो ये मोशन जो हमारा था खाएंगे क्या, वो कन्वर्ट हो गया किसमें, रेजोल्यूशन में, किसमें कन्वर्ट हो गया, रेजोल्यूशन में। तो भाई बोले अब क्या बोलेंगे, मैं तो सब लोग मिलकर बोलेंगे अब भाई खाना ही है,
केक क्या करना है, खाना ही है, तो अब ये कंपल्सरी हो गया, तो यहाँ क्या लगे फुल स्टॉप लगे, भाई ये करना ही है, ठीक है। तो ये होता है रेजोल्यूशन और मोशन का डिफरेंट, तो एक रेजोल्यूशन पास होना चाहिए, ठीक फ्रेंड्स। फिर क्या बोल रहा है, द राइट इशू इज ओपन मिनिमम फॉर 30 डेज, मैक्सिमम फॉर 60 डेज अकॉर्डिंग टू द सेबी गाइडलाइन। मतलब जो राइट इशू रहता है ये मिनिमम कितने दिन के लिए मतलब खुला रहना चाहिए, 30 दिन के लिए मिनिमम, और मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपको खोल के रखना है, ज़्यादा से ज़्यादा राइट इशू रखना है, अगर जैसे आपके शेयर होल्डर बहुत दूर रहते हैं या उनको परचेस करने में प्रॉब्लम हो रही है, तो उन लोग को बोल रहे हैं कि रुको जरा रुको पैसे नहीं है, तो ये मैक्सिमम 60 दिन तक उन लोग खुला रख सकते हैं कौन कंपनी है, और मिनिमम अगर वो सोच रहे 30 दिन तक पैसे नहीं आए, 30 दिन बाद बंद करके वो चले जा सकते हैं एफ पी ओ फॉलो कर सकते हैं, किसको, जनरल पब्लिक को बेचने जा सकते हैं, कौन बेचने जा सकते हैं, इक्विटी, ये क्या नाम है, कंपनी है, ठीक है फ्रेंड्स। ये डिपेंड करता है कंपनी पे, कंपनी 30 दिन करे या 60 दिन करे या 45 दिन करे या 50 दिन करे, बट भाई मिनिमम 30 दिन तो रहना ही चाहिए, मिनिमम 30 दिन तो रहना चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा आप लेके जा रहे हो तो 60 दिन ही रहना भाई, उसके ऊपर गया तो भी से भी कुछ ना कुछ कांड कर देगा तेरा, समझा। तो देख अब क्या बोल रहे हैं, थर्ड पॉइंट से भी बोलता है कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, जो भी कंपनी रूल रेगुलेशन बनाया था इनकॉर्पोरेशन, जब भी मतलब कंपनी जब स्टैब्लिश हो रहा था, जो भी उसने रूल रेगुलेशन अपना बनाया था कि मैं ऐसे रहूँगा, वो रेगुलेशन में तो जो मेंशन किया होगा ना तूने कि भाई राइट इशू मैं करूँगा, तभी तू मतलब तेरे को परमिटेड है, मतलब तेरा आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, तेरा रूल रेगुलेशन ऑफ द कंपनी परमिटेड, मतलब तेरे को परमिट देना चाहिए, अगर वो परमिट दे रहा है तभी हम लोग तेरे को क्या देंगे, राइट इशू का अधिकार देंगे, तू राइट इशू कर सकता है, ठीक है। दिस इज़ ओनली फॉर अ फुल्ली पेड एक्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर, ठीक है फ्रेंड्स। कब से हम लोग बोल रहे थे, देखो यार सब आप देखो, पहले जनरल बात करते इक्विटी शेयर होल्डर, फिर सब बोलते यार एग्जिस्टिंग, मतलब चलो एक और नाम जुड़ गया, अब बोलेंगे यार आप फिर तूने और एक नाम जुड़ा लिया, कौन सा पेड अप, अब ये क्या भला है, एग्जिस्टिंग तो हम समझ गए ओल्ड होता है, एग्जिस्टिंग मतलब ओल्ड होता है, अब पेड अप क्या है, तो इतने बड़े बड़े नाम क्यों बना रहा है, अब पेड अप मतलब क्या होता है बताओ तुम आप लोग को, पेड अप मतलब ये होता है कि जो भी मतलब ना इक्विटी शेयर होल्डर ने फुल पेड किए होंगे अपने पैसे, जैसे कंपनी का शेयर मान लो ना 100 रुपये का, कितने रुपये का, 100 रुपये का, ठीक है फ्रेंड्स, कितने रुपये का, 100 रुपये का, तो कंपनी ना मतलब क्या बोलते हैं इंस्टॉलमेंट में पैसे लेती है, जैसे कंपनी का ना क्या रहता है, कंपनी फर्स्ट कॉल करती है, सेकेंड कॉल करती है और फाइनल कॉल करती है, तो फाइनल कॉल तक पूरा पैसा पूरा हो जाता है, कभी कभी थर्ड कॉल भी चलाता है, कभी कभी फोर्थ कॉल भी चलाता है, ये बात अलग है, बट कंपनी के जो भी शेयर है ना अगर 100 रुपये का ना, तो उस शेयर होल्डर इक्विटी शेयर होल्डर ने 100 रुपये पूरे फुल्ली पेड अप रहने चाहिए उसके, तभी हम उसको राइट इशू का अधिकार देंगे। अगर वो 45 है, अगर उसने 45 भरा है, उसने पेड अप नहीं है, फुल पेड नहीं है, तो उसको राइट इशू का अधिकार नहीं देना चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये अपना सेबी गाइडलाइन है भाई, सेबी बोल रहा है तो करना ही पड़ेगा, ठीक है, सबको करना पड़ेगा, क्योंकि सेबी कौन है, कुत्ता है, नहीं करेगा तो काट लेगा साला, तो इसलिए आपको समझना चाहिए। देयर इज़ अ नीडेड ऑफ कंपल्सरी टू द फ्रॉम RBI, क्या, सॉरी फ्रेंड्स आप परमिशन लिखना भूल गया लगता हूँ मैं, दिस इज़ अ नीड टू कंपल्सरी फ्रॉम ए RBI इंडियन बिफोर राइट इशू। फ्रेंड्स यहाँ परमिशन लिखना था मुझे, क्या लिखना था, परमिशन मतलब कंपनी को जब भी कंपनी को मतलब यहाँ ये नीडेड है, कंपल्सरी है, क्या कंपल्सरी है भाई, कंपल्सरी है कंपनी को राइट इशू करने से पहले कंपनी को परमिशन लेना पड़ेगा, किससे लेना पड़ेगा भाई, RBI से लेना पड़ेगा। अब RBI कौन है, अबे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो तेरा करेंसी छापती है वही तो है RBI, जो भी तेरे नोट्स बनते हैं वो कौन बनाता है, RBI बनाता है। आपको पता है गवर्नमेंट 1 रुपये का नोट और जितने चिल्लर्स होते हैं कौन छापता है, गवर्नमेंट छापता है, और RBI पूरे करेंसी 1 रुपये का नोट छोड़ के और जितने भी चिल्लर छोड़ के वो जितने भी नोट छापता है वो कौन छापता है, RBI। तो भाई RBI से क्या लेना पड़ेगा, परमिशन लेना पड़ेगा। RBI ऑल्सो कॉल्ड बैंकर बैंक, ठीक है फ्रेंड्स, ये चीज़ हम लोग बाद में देखेंगे RBI का पूरा अच्छे से डिटेल। तो आप लोग राइट इशू समझ में आया तो यार थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, देखो यार अच्छे से हमने क्लियर कर दिया है, देखो मीनिंग अच्छे से क्लियर किया भाई, देखो जो समझा आपको वही लिखना है, मैंने आपको अच्छे समझा दिया था, तो आप लोग को जो समझता है वही लिखो, और बट हाँ यार मतलब सही रहना चाहिए कि ना कंपनी में मतलब आप लिखते वक्त ये लिखना कि जब भी नया शेयर इशू करती है तो कंपनी पहले किसको पूछनी चाहिए, ज़रूरी है पूछना किसको, इक्विटी शेयर होल्डर को पूछनी चाहिए कि भाई तू लेगा क्या, नहीं ले रहा है मत ले, ठीक है भाई तू लेगा तो ले, नहीं मिला तो मत ले, मैं दूसरे को पास जाती हूँ, मैं किसके पास जाऊँगी, FPO बोलते हैं उसको, क्या बोल सकते हैं, FPO पब्लिक मतलब फॉलो पब्लिक ऑफर, मतलब ये होता है जनरल पब्लिक के पास, मतलब स्टॉक मार्केट में चला जाता है शेयर और फिर बिकना चालू हो जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। FPO आप देख के हैरान मत हो, FPO क्या होता है, अबे FPO ही होता है जो इक्विटी शेयर होल्डर जो मतलब जो भी जैसे फर्स्ट टाइम IPO होता है ना इनिशियल पब्लिक ऑफर, वैसे ही FPO होता है सेकेंड टाइम, जब कंपनी जाती है स्टॉक मार्केट में क्या करती है, शेयर इशू करती है, ठीक है फ्रेंड्स।
क्लियर हो गया हमारा अच्छे से पूरा, आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, थैंक यू। और देखो फ्रेंड्स क्या ये अच्छे देख लो आप पूरा, हम लोग से भी गाइडलाइन भी एक बार अच्छे देख लेते, आपको फिर प्रॉब्लम नहीं आएगी। एक रेजोल्यूशन पास होना चाहिए, राइट इशू 30 डे के लिए मिनिमम रहना चाहिए, मैक्सिमम कितने दिन के लिए रहते हैं 60 दिन के लिए चाहिए, क्या रहना चाहिए, अबे ओपन रहना चाहिए, क्या रहना चाहिए, ओपन रहना चाहिए, मेन चीज़ यही है। आर्टिकल ऑफ लॉ 13 रूल ऑफ रेगुलेशन, 13 जो रूल ऑफ रेगुलेशन है ना वो तुझे परमिटेड करना चाहिए कि भाई तू इशू कर सकता है, जो भी इशू होगा किसको होगा, फुल्ली कैपिटल मतलब फुल्ली पेड ऑफ कैपिटल मतलब फुल्ली पेड ऑफ, जिसने पूरा पैसा भरा है उसको ही मिलेगा, जिसने नहीं भरा है उसको नहीं मिलेगा। और RBI से परमिशन लेना कंपलसरी है, किससे, RBI से, ठीक है फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हमारा क्लियर हो गया व्हाट इज़ द राइट इशू। आपको और कोई टॉपिक पे अगर वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट कीजिए, और आपको हम अपना व्हाट्सअप नंबर दे देंगे, आपको किसी भी मतलब क्वेश्चन पे आपको नोट्स चाहिए तो हमें मतलब मैसेज कीजिए, हम आपको नोट्स प्रोवाइड करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स, अगर आपको चैनल हम आपको नहीं बोल रहे, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, आपको अगर कंटेंट अच्छा लगा होगा तो हमें लाइक कीजिए, लाइक करोगे, और कंटेंट अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब करोगे फ्रेंड्स। और यार लाइक सब्सक्राइब करने की अभी बोले तो फुल ज़रूरत है हम लोग को, क्योंकि यार अभी ये चैनल फॉर्म हुआ है, तो अभी यार अभी तो स्टार्टिंग में तो बहुत फुल मतलब ज़रूरत रहती है, क्योंकि अगर लाइक और सब्सक्राइबर से बच्चे लोग मतलब व्यू मतलब मिलते हैं, मतलब लोग सोचते हैं सब्सक्राइबर ज़्यादा है तो भाई ये अच्छा बना रहा है, और लाइक कम है तो मतलब ये ख़राब बना रहा है, तो ऐसे मतलब सबके सोच सबकी थिंकिंग है, तो हिसाब से हमको भी रहना पड़ेगा, तो इसलिए आप मतलब लाइक करोगे सब्सक्राइब करोगे तो उन लोग भी मतलब ज़रूरतमंद के पास ये वीडियो पहुँच सकती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स, आपको लगता है तो शेयर कीजिए इस वीडियो को। चलो यार हमारा आज का क्लियर होगा व्हाट इज राइट इशू, बाय बाय।